नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ योगासन इन योग सूत्र। योग सूत्र में योगासनों की अवधारणा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग सूत्र योग का आधारभूत ग्रंथ है। इसका नाम है योग सूत्र क्योंकि इसमें योग को सूत्र के रूप में, फार्मूले के रूप में बताई गई। आज जो आप विभिन्न प्रकार के आसन, इनकी 84 लाख के आसपास संख्या या 84 लाख संख्या बताई जाती है हठ योग के ग्रंथों में, और उनके ढेर सारे प्रकारांतर रूप बनने के बाद उनके संख्या उससे भी ज़्यादा हो गई। तमाम तरह की टेक्निक्स हैं। आप सोचिए कितने आसन हैं जिनको, जिनकी संख्या के बारे में, जिनकी विधि के बारे में, जिनके बेनिफिट्स के बारे में कह पाना कठिन है। लेकिन इस समग्र योगासनों के बारे में महर्षि पतंजलि ने केवल 3 सूत्र कहे हैं, और सूत्र कितने, बिल्कुल छोटे छोटे, अभी आप देखेंगे अगली स्लाइड में, और इतने में ही सारी बातें कह दी केवल 3 सूत्रों में। योग आसन को लेकर के जितनी भी बातें हैं, टेक्निक्स को लेकर के, उनके बेनिफिट्स को लेकर के, वो सारी सार रूप में, सूत्र रूप में इन्हीं सूत्रों में। तो आज के इस क्लास में हम वो 3 बातें जानेंगे। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं जो योगासनों के संदर्भ में हैं, और उसको महर्षि पतंजलि ने 3 सूत्रों में प्रतिपादित कर दिया है, और जिनको आधार बना करके बाद के ग्रंथों में योगासन की अवधारणा को, उसके सिद्धांतों को विस्तारित किया गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं आसन की परिभाषा क्या है। महर्षि पतंजलि दूसरे पाद के 46वें सूत्र में कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। आसन क्या है, उसके 2 करेक्टर, 2 लक्षण, एक स्थिरता और दूसरा सुख। किसी भी आसन में अगर ये 2 लक्षण हैं तो वो आसन है। तो ये आसन की डिफिनेशन है। जैसे आप योग की डिफिनेशन पढ़ते हैं तो योग किसको कहते हैं, अगर हम पतंजलि के परिवेश में ही देखें तो योग किसको कहते हैं, चित्त की वृत्तियों को निरोध को योग कहते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, एक कंडीशन है, और उसी कंडीशन को योग कहा गया है। एक अवस्था है किसकी, चित्त की। कौन सी अवस्था, वह अवस्था जिसमें वृत्तियों का निरोध हो गया, उसको क्या कहा जाता है, योग कहा जाता है। अब वो अवस्था कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए, उस अचीवमेंट के लिए ढेर सारे अभ्यास बताए गए। उनमें क्रिया योग भी है, अभ्यास वैराग भी, अष्टांग योग भी है। उनका अभ्यास करके हम क्या करते हैं, उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। कौन सी अवस्था, चित्त की वृत्तियों से निरोध की अवस्था। तो जिस अभ्यास से प्राप्त करते उसको भी हम कहते हैं ना योग, लेकिन वो साधन के रूप में है। ठीक वही बात यहाँ पर भी है। एक्चुअल में आसन वही है जिस अवस्था में व्यक्ति सुख के साथ और स्थिरता के साथ लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक बैठ सके, उसको हम आसन कहेंगे। अब ये इतनी कठिन सरल बात तो है नहीं, कैसे अचीव होगी। तो उसके लिए फिर ढेर सारे अभ्यास बनाए गए जिनमें मूवमेंट्स भी होता है, जिनमें और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, मसल्स पे इफेक्ट आता है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो सब क्या हो गए, उन आसनों के अभ्यास या एक्सरसाइज या कुछ योगिक सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, वो सब क्या हैं, वो सब साधन हो गए किसके, इन आसनों की प्राप्ति की। और ये जो डिफिनेशन है स्थिर सुखम आसनम, ये डिफिनेशन सारे ध्यानात्मक समूह के आसनों के ऊपर अप्लाई हो, ठीक है ना। ध्यानात्मक समूह के आसन में ही तो हम स्थिरता के साथ बैठते हैं, जैसे कि पद्मासन है, सिद्धासन है, स्वास्तिक आसन है। तो दीज आर मेडिटेटिव पोस्चर्स, ध्यानात्मक समूह के आसन। उन्हीं आसन के जो लक्षण है वो इस डेफिनेशन से मिलते हैं। तो ये अवस्था का नाम भी आसन है, और जिन जिन के अभ्यास से इस अवस्था को हम अचीव करते हैं उनको भी हम आसन कहते हैं। उसी दृष्टिकोण से भुजंगासन भी है, उसी दृष्टिकोण से सूर्य नमस्कार के जो अभ्यास है वो भी आसन है, धनुरासन भी है, हल आसन भी है, चक्रासन। लेकिन चक्रासन में आप सुख के साथ देर तक थोड़े रुक सकते हो, लेकिन उन सब का जब आप अभ्यास करोगे तो मसल्स स्ट्रांग होंगी, और आप स्थिरता के साथ और सुख के साथ पद्मासन में या अन्य ध्यानात्मक समूह के आसन में बैठ सकते, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ऐसा ग्रंथ में नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरा इंटरप्रिटेशन है और मैं इसको पूरी तरह से सिद्ध कर सकता हूँ। जैसे हम अष्टांग योग को भी आसन कहते हैं, लेकिन अष्टांग योग में जो भी चीज़ें आती हैं
वो इसलिए हम योग कहते हैं क्योंकि वो सहायक हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध में। डेफिनेशन में थोड़े हैं उन्होंने कहा कि ये आसन है, डेफिनेशन में तो उन्होंने चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही आसन कहा। ठीक उसी प्रकार से अन्यान अभ्यास जो शरीर से संबंधित हैं और उनको करने से ध्यानात्मक समूह के आसन की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उस आसन में बैठने का पीरियड बढ़ता है, ड्यूरेशन बढ़ता है सुख के साथ, तो हम इनको भी आसन कहते हैं। और ऐसा इसलिए है कि जब सुख के साथ देर तक बैठ पाओगे तभी प्राणायाम सधेगा, क्योंकि प्राणायाम स्थिरता के साथ बैठकर होता है, और जब प्राणायाम सधेगा तब जाकर के ध्यान की बात सिद्ध होगी, और जब ध्यान सधेगा तब जाकर के समाधि में जाएंगे, और जब समाधि सधेगी तब जाके तत्व का ज्ञान होगा, और तत्व ज्ञान ही हमारा लक्ष्य है। तत्व ज्ञान बिना चित्त की वृत्तियों के निरोध के नहीं हो सकता। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सब एक दूसरे की, दूसरे तीसरे की, तीसरी चौथे की सीढ़ी के रूप में काम करते हैं। तो आसन की परिभाषा क्या है पतंजलि की? स्थिर सुखम आसनम। आसन उसे कहेंगे जिसमें ये दो लक्षण हो, एक तो स्थिरता, ये पहला लक्षण, और दूसरा सुख। अब इसी सूत्र को दूसरे दृष्टिकोण से देखिए। एक तो मैंने ये बताया कि ध्यानात्मक समूह इसमें फिट बैठते हैं, अन्य सब साधन हो जाएंगे, और साधन को भी हमारे यहाँ साध्य जैसा महत्व दिया गया है, इसलिए उनको भी हम आसन कहते हैं, जैसे योग के साधनों को हम योग कहते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा, कोई भी आसन, किसी भी आसन में आप जाते हो, कठिन आसन ही क्यों ना, उस आसन में स्थिरता, पहली क्वालिटी क्या है? स्थिरता। स्थिरता के साथ, स्थिरता को मेंटेन रखते हुए सुख के साथ जितनी देर रहते हो उतनी देर तो वो आसन। जैसे ही स्थिरता या सुख दोनों में कोई भी एक खत्म होता है, वह पीरियड आसन, वहीं से वो आसन खत्म हो जाता, तो आप अब वो आसन नहीं रह गए। समझ में बात है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए आप भुजंगासन में गए, धनुरासन में गए, अब वहां पर बैठने के बाद कुछ समय तक आपकी स्थिरता भी रहेगी और आपको कोई पेन नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, अच्छा लगेगा, मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी, और स्ट्रेचिंग से भी, मस्कुलर स्ट्रेचिंग से भी ढेर सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ऐसे हार्मोन जो हेल्थ के लिए प्रोमोटिव, प्रोमोशन का काम करते हैं, प्रिवेंशन का काम करते हैं, तो ऐसे हार्मोन्स के सिक्रेशन से और वहाँ में बेटर फील होता है, लेकिन वो एक पॉइंट तक, एक पॉइंट के बाद फिर वो जो स्ट्रेचिंग हमें अच्छी लग रही थी वो दर्द में कन्वर्ट होने लगती, पेन में कन्वर्ट होने लगती, और बॉडी में भी स्थिरता चली जाती है, मूवमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, उस क्षमता से आगे नहीं जा सकते, तो उसी पॉइंट तक वो आसन कहलाएगा, उसके बाद वो आसन खत्म हो गया, आप वापस आ जाए, और रोज प्रैक्टिस से वो क्या होगा, वो पीरियड बढ़ता जाएगा। किसी भी आसन में आ जाए, अगर आप 10 सेकंड रुकते हैं, नियमित प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, 15 सेकंड होगा, 20 सेकंड होगा, 1 मिनट होगा, धीरे धीरे पीरियड बढ़ता जाए। तो इस तरह से हमें ये मानना, जानना है कि आसन कितने पीरियड को कहते हैं, और मुख्य रूप से आसन वही है जो आसन में ध्यान लगता है। इसीलिए जो जो ग्रंथ हैं, इस योग सूत्र में तो परिभाषा बता दी गई, लेकिन उसके बाद देखिए योग सूत्र में के बाद हठ प्रदीप का आती है, कहते चार आसन है, लेकिन चार आसनों में ही मुख्य आसन क्या है, सिद्ध आसन। सिद्ध के समान, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, खिचड़ी के समान कोई मुद्रा नहीं, नाद के समान कोई लय नहीं, और मिताहार के समान कोई यम नहीं। तो वो एक एक मेन जो लक्ष्य है उसको फोकस करते हैं। ये कौन कहता है? हठ प्रदीप का कहती है, तो भी एक ही आसन कहते हैं। इसका मतलब अन्य जो आसन है वो सब साधन है, और वो सिद्धासन क्या है, वो साध्य, वो हमारा गोल है, उसे हमें अचीव करना है, और यही बात सारे टेक्सुअल लिटरेचर में आपको मिलेगा। तो मुख्यतः वो ध्यानात्मक समूह के आसन को ही मुख्य आसन मानते हैं। तो ये आसन के संदर्भ में हो गई। अगली बात, अब आसन का अभ्यास कैसे करें, हाउ टू डू आसन। देखिए कितने सरल भाषा में उन्होंने, और उसके लिए केवल क्या किया है, तीन पॉइंट बताया बस, उसमें करना एक ही है लेकिन टोटल कैटेगरी उसकी तीन बताए। पहला क्या है, प्रयत्न। दूसरा शैथिल। सूत्र क्या है, प्रयत्न शैथिल अनंत समापति व्याम, इट इज आसन 47, दूसरे पाद का 47 श्लोक। क्या कहता है, आसन करते समय आप प्रयत्न करें। प्रयत्न मीन्स जो हम बार बार बेसिक पोस्चर चिल्लाते हैं कि इस पहले अवस्था बनाएं, तो फ्रॉम बेसिक पोस्चर टू फाइनल पोस्चर जो आप मूवमेंट करते हैं, दैट इज प्रयत्न। स्टेप बाय स्टेप कराते नहीं, पहले बेसिक पोस्चर बना दिया, फिर कहते हैं स्टेप वन ये करिए, स्टेप टू करिए, स्टेप थ्री ये करिए, स्टेप फोर ये करिए, और हर आसन के अपने अलग अलग, कोई तीन स्टेप में हम पहुंचते हैं फाइनल पोजिशन में, कोई चार में, कोई छः में, कोई ऐसे ताड़ासन में हम कराते हैं तो चार में पहुंचाते हैं, और छः में
सुन भुजंगासन कराते तो तीन में कि फर्स्ट स्टेप में हेड को अप करेंगे, फिर उसके बाद चेस्ट को अप करेंगे, और उसके बाद फिर जो है और उसके बाद फिर हम नाभि तक का पोर्शन उठाएंगे। तो इस प्रकार से हेड से नाभि तक का हिस्सा हम तीन भागों में उठाते हैं, तो थ्री स्टेप में भुजंगासन हो जाता है। तो ये क्या है, ये प्रयत्न, यानी कि आसन करने में जो आप बॉडी मूवमेंट करते हो, जो आप एफर्ट करते हो, जो आप प्रयास करते हो, वो क्या है, प्रयत्न। तो पहला काम क्या करें, प्रयत्न करें। यह प्रयत्न विधिवत, हर आसन का अपना अलग अलग फिक्स है, वो समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट इज प्रयत्न, सेकंड पार्ट शैथिल्य, अंतिम अवस्था में जाकर के बिना पोस्चर बिगाड़े शरीर को शिथिल करिए। समझ में आई बात, शरीर का जो स्ट्रक्चर है ना, ढांचा, वो यथावत रहे जो फाइनल पोस्चर में होता है, लेकिन बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, वहां तनाव ना रहे, ना चेहरे पे ना कहीं भी, जितना आप रिलैक्स कर सकते हैं। प्रैक्टिस से होगा कि बिना स्ट्रक्चर बिगाड़े आप शरीर को शिथिल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा जैसे आप करेंगे आपका क्या होगा, होल्डिंग पीरियड अपने आप बढ़ जाएगा। अनंत समापत्ति अभ्याम, और फिर उसे एक लंबे समय तक मेंटेन करने की कोशिश करें। अनंत मींस जिसका कोई अंत ना हो, और ऐसा अगर हो जाए तो वो क्या होगा, समापत्ति, समाधि तक पहुंचाने वाला होगा, यानी आसन से भी समाधि तक आप पहुंच सकते। तो अनंत समापत्ति अभ्याम, ऐसा आसन लंबे समय तक हो, और जब लंबे समय तक होगा मैक्सिमम जो पीरियड है वो बढ़ाइए आप, तो वो समाधि तक ले जाने वाला होगा, क्योंकि शरीर के साथ भी मन का नियंत्रण होता है, शरीर को भी मन के नियंत्रण का आधार बनाया जाता है। और चूंकि यहाँ आसन को टीच किया जा रहा है, आसन को पतंजलि द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और आसन का जो अभ्यास है वो हठ योग का, हठ परंपरा का प्रमुख साधन है, क्योंकि आसन होता है शरीर से, और हठ योग का मतलब ही मैंने पढ़ाया आपको, हठ योग का मतलब है जिस योग साधना में शरीर को माध्यम बनाया जाए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो हठ योग कहलाता है, ठीक है ना। उसी का नाम दूसरा दिया है घटस्थ योग, घटस्थ योग का मतलब घट माने शरीर ही होता है। यद्यप हा उठा का मिलन हठ योग कहलाता है, और हा का अर्थ हकार यानी सूर्य नाड़ी, ठा का अर्थ ठकार यानी चंद्र नाड़ी, लेकिन दोनों को मिलाने के लिए जो है प्राणायाम इत्यादि का अभ्यास तो करते ही करते, लेकिन शरीर को भी साधन बनाते, तो शरीर वहां पर मुख्य साधन होता है। इसीलिए यहाँ पर शरीर का माध्यम बनाने के लिए इन्होंने उसी भाषा का प्रयोग किया है, और प्रयत्न शैथिल, और फिर उसको लंबे समय तक करेंगे, और इस प्रक्रिया में मन को इन्वॉल्व करेंगे। तो मन जब इसमें इन्वॉल्व होगा तो मन अपने आप शरीर पर स्थिर होने लगेगा, और शरीर पर जब स्थिर होने लगेगा तो शरीर जब स्थिर हो जाए तो उसे परमात्मा में, जब आप परमात्मा में लगाते हैं, या फिर आप किसी ऐसे विषय पर लगाते हैं जिसको माध्यम बना करके आप चित्त को स्थिर कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, वो समाधि तक ले जाने वाला, क्योंकि यहाँ ईश्वर को भी क्या बनाया गया है, साधन माना गया है। चित्तवृत्ति रूपी निरोध रूपी समाधि को प्राप्त करने के लिए ईश्वर भी साधन है, और ईश्वर के साथ साथ ढेर सारे साधन जिनको हम माध्यम बना करके समापत्ति तक पहुंच सकते हैं। लाभ, आसन करने का लाभ क्या है, ततो द्वंद्वानभिघात, ततो उसके, किसके, आसन का प्रसंग चल रहा है ना, उसके बाद का, सॉरी ये इस रेफरेंस में चेंज करने भूल गया, इसका जो रेफरेंस है 47 है, आसन का अभ्यास कैसे करें, और यह है 48, इसका जो रेफरेंस है वो है, इस तरह से 48वें सूत्र में आसन के लाभ बताए गए हैं, तो आप लिख 48, ततो द्वंद्वान अभिघाता, उस आसन के अभ्यास से, जिस आसन की अभी परिभाषा बताई गई, उसे करने के टेक्निक्स बताई गई, क्रमशः 46 और 47 सूत्र संख्या दूसरे पाद के, उसी में उस आसन के अभ्यास से, उस आसन की सिद्धि से, जो प्रतिकूल वातावरण का द्वंद्व है, आघात है, द्वंद्व का मतलब होता है आघात, सॉरी द्वंद्व का मतलब होता है प्रतिकूलता, और आघात का मतलब होता है शरीर पर होने वाली चोट या शरीर पर होने वाला प्रभाव। तो जो वातावरण की प्रतिकूल दशाएं हैं, ठंडी का होना, बारिश का होना, गर्मी का होना, धूप का लगना, लू का लगना, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, शरीर पर आघात होता है, शरीर को चोट पहुंचती है, आघात का मतलब होता है नुकसान, तो इनसे शरीर का नुकसान हो जाता है ना, हमारे भीग जाते हैं तो बुखार आ जाता है, लू लग जाती है तो बुखार आ जाता है, और ढेर सारी दिक्कतें हो जाती हैं, हेडेक होने लगता है, ठंडी लग जाती है तो ढेर सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये जो वातावरण की प्रतिकूल दशाएं हैं उनसे जो शरीर को क्षति होती है उससे सुरक्षा होती है, उससे बचाव होता है, उससे किसी प्रकार का आघात नहीं लगता है,
ये आसन का लाभ। आसन का लाभ यहाँ पर पतंजलि ने बिल्कुल फिजिकल लेवल पर बताया कि शारीरिक जो परिस्थितियां हैं उनका आघात नहीं होगा। फिर जब शरीर से मन का होगा तो मन पे भी आएगा, क्योंकि जब हमारा शरीर रोगी होगा तो मन भी प्रभावित होगा, मन में भी उसका प्रभाव आता है, तो शरीर के माध्यम से मन को भी लाभ मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से पतंजलि ने आसन के जो लाभ बताए हैं वो यही बताए हैं कि आसन जब सिद्ध हो जाता है तो जो भी मौसम के जाड़ा गर्मी ठंडी बरसात इत्यादि के जो प्रतिकूल होने पर शरीर को क्षति होती है, शरीर को आघात होता है, शरीर को नुकसान होता है, उससे शरीर अपने आप को बचाने के लिए सक्षम हो जाता है आसनों के। तो इस तरह से आसन के आज हमने डेफिनेशंस पढ़ी, आसन के करने के टेक्निक्स पढ़ी और आसन के लाभ पढ़ी। अब प्रैक्टिकल में जब आप आसन करें तो इसी टेक्निक्स का प्रयोग करें, जब आप प्रैक्टिकल में आसन का अभ्यास करें तो इसी टेक्निक का प्रयोग करें कि आसन के अभ्यास से जो ये टेक्निक बताई गई है प्रयत्न शैथिल और अनंत समापत्य व्यायाम वाला, इसी को फोकस करके करें। जो भी प्रॉपर मूवमेंट्स की टेक्निक है प्रयत्न के माध्यम से वो करें और अंतिम अवस्था में जाकर के लंबे समय तक जितना आप मैक्सिमम रोक सकते हो वो रोकने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आसन करते समय हमारा लक्ष्य है स्थिरता और सुख, इन दोनों के साथ मैक्सिमम पीरियड को मेंटेन करना, होल्डिंग पीरियड को लंबा करना, अधिकतम करना। और ये आज आप करेंगे जितनी देर, मान लीजिए आज आपने किसी तरह से 10 सेकंड रोक लिया, 10 सेकंड तक आपने कर लिया, तो कल आपको 10 सेकंड करने में जितनी आज दिक्कत हुई थी कल नहीं होगी, परसों बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारा है मैक्सिमम समय अवधि को बढ़ाना, अधिकतम समय अवधि को बढ़ाना, यही हमारा आसन के अभ्यास में लक्ष्य है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे संबंधित जो क्वेश्चन हो क्वेश्चन आप पूछ लीजिए और उसका डिस्कशन कर लें, बाकी आज की क्लास समाप्त हुई।